हेलो ट्रेनीज, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर मैं अभिनंदन विश्वकर्मा देवरिया निजी आईटीआई के कैंपस में आज हम आपको पढ़ाएंगे ग्राइंडर। ग्राइंडर से आप सभी लोग अवगत हैं। ग्राइंडर का मुख्य प्रयोग किसी भी जॉब को बहुत अधिक परिशुद्धता में पॉलिश करने के लिए, कटिंग एज का धार लगाने के लिए आदि कार्यों में किया जाता है। वैसे भी आप सही प्रशिक्षुओं ने ग्राइंडिंग का काम किया ही है अपने टूल्स को धार लगाने के लिए और चोरी छुपके जॉब की भी ग्राइंडिंग करने के लिए, ठीक है। तो इसके द्वारा सरफेस को भी ग्राइंडिंग की जाती है। तो जो यूज ऑफ ग्राइंडर है, तो ग्राइंडर का जो मुख्य प्रयोग है, सबसे इम्पोर्टेंट प्रयोग क्या होता है, टूल की धार लगाना। इसके द्वारा हम कटिंग टूल की धार लगाते हैं, ठीक है। दूसरा, इसके द्वारा सरफेस को फिनिशिंग करने के लिए भी प्रयोग करते हैं, ठीक है। तीसरा, इसके द्वारा कोई जॉब है उसको काटने के लिए भी हम लोग प्रयोग करते हैं, जैसे कटिंग करने के लिए। आपने अपने वर्कशॉप में देखा भी है कि जब कोई जॉब काटना होता है तो हम लोग कटिंग व्हील से काटते हैं, तो वही ग्राइंडर व्हील है। और एक और इसका मुख्य प्रयोग विभिन्न शेप के स्लॉट या सुराख या गियर साइज बनाने के लिए भी ग्राइंडिंग व्हील का प्रयोग किया जाता है, ग्राइंडिंग व्हील। नेक्स्ट हमारा ग्राइंडिंग व्हील है। तो ग्राइंडिंग व्हील एक प्रकार का कटिंग टूल है जिसमें एक नहीं कई असंख्य कटिंग एज होते हैं जिसका काम उस चीज को काटने के लिए किया जाता है, ठीक है। फिर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ग्राइंडिंग व्हील, तो जो हमारा कैसे ये बनता है ग्राइंडिंग व्हील, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ग्राइंडिंग व्हील ये मुख्यतः दो पार्ट से मिलकर बनी होती है, एक अब्रेसिव और दूसरा बॉन्ड, ठीक है। जो एब्रेसिव होता है, एब्रेसिव मतलब ये एक पदार्थ है, ठीक है, जो अत्यधिक कठोर होता है, ठीक है। तो जो ये पदार्थ होता है ये अत्यधिक कठोर है और इसके जो एज होते हैं वो कोई इसका निश्चित शेप नहीं होता है, इसी वजह से इसमें असंख्य, जैसे कोई एक धातु है इसमें कई कॉनिकल पॉइंट होते हैं जिससे इसके असंख्य कटिंग एज होते हैं और इसको हम बॉन्ड के साथ, बॉन्ड मतलब चिपकाने वाला, तो इस एब्रेसिव को जोड़ने के लिए जो विधि है वो बॉन्ड है। तो एब्रेसिव को जोड़ने के लिए जिस विधि से जोड़ जाती है, तो एब्रेसिव और बॉन्ड को जोड़ के ही ग्राइंडर व्हील की मैन्युफैक्चरिंग की जाती है। तो जो एब्रेसिव होती है ये मुख्यतः दो तरह से पाई जाती है, ठीक है। जो एब्रेसिव होती है वो मुख्यतः दो तरह से पाई जाती है, एक होता है नेचुरल टाइप और दूसरा कृत्रिम विधि द्वारा, ठीक है। तो नेचुरल होती है, तो नेचुरल में जो एब्रेसिव पाए जाते हैं वो प्रायः अशुद्धियाँ उसमें बहुत अधिक होती हैं, तो इनका हम प्रयोग डायरेक्ट नहीं करते हैं, इनको प्रयोग करने के लिए कई विधियों से गुजारना होता है। लेकिन इसके द्वारा जो निम्न पाए जाते हैं, तो जैसे एमरी पाया जाता है, ठीक है, इसके द्वारा एमरी, कॉर्मेंडम और हीरा, ये तीन चीज पाई जाती है जिनका हम प्रयोग डायरेक्ट नहीं करते हैं क्योंकि इसमें बहुत सी अशुद्धियाँ होती हैं। और जो कृत्रिम एब्रेसिव होता है इनको हम लगातार प्रयोग में ला सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होती है और इनको हम अपनी आवश्यकता अनुसार बनाए जाते हैं। लेकिन जो नेचुरल टाइप एब्रेसिव होते हैं उनका साइज भी फिक्स नहीं होता है, ये छोटा है, बड़ा है, बड़ा है, बड़ा है, तो छोटे बड़े बॉन्ड को मिला के हम नहीं बना सकते हैं, तो इनका प्रयोग कम होता है और आर्टिफिशियल यानी कृत्रिम बॉन्ड का प्रयोग, कृत्रिम एब्रेसिव का प्रयोग हम अत्यधिक मात्रा में करते हैं। तो जो कृत्रिम एब्रेसिव होता है वो मुख्यतः दो तरह के होते हैं, पहला होता है एल्युमिनियम ऑक्साइड और दूसरा होता है सिलिकॉन कार्बाइड। आर्टिफिशियल एब्रेसिव यानी कृत्रिम एब्रेसिव, ये जो एब्रेसिव मुख्यतः बनाए जाते हैं ये स्पेशली कटिंग करने योग्य ही बनाए जाते हैं और इसको एक निश्चित साइज में बनाया जाता है, मतलब जो इसमें ग्रेन के साइज होते हैं वो एक निश्चित होते हैं एब्रेसिव, और इनको हम छलनी जैसे आटा चलते हैं ना, तो उसी तरह इस एब्रेसिव को भी अलग करने के लिए छलनी का प्रयोग करने के बाद हम इनको अलग अलग साइज के अलग अलग ग्रेन में स्टोर कर लेते हैं और उसके बाद हम बॉन्ड को मिला के इसको जोड़ लेते हैं और अपने कार्य के अनुसार हम इसको प्रयोग करते हैं। तो जो आर्टिफिशियल यानी कृत्रिम एब्रेसिव हैं
वो मुख्यतः दो होते हैं, एक एल्युमिनियम ऑक्साइड और दूसरा सिलिकॉन कार्बाइड। तो एल्युमिनियम ऑक्साइड जो होता है इसकी जो बॉन्ड होती है ये बहुत टफ होती है, इसका प्रयोग हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ के लिए प्रयोग करते हैं। यानी एल्युमिनियम ऑक्साइड का मुख्य प्रयोग स्टील, कोई भी कड़ा धातु हो सकता है, जैसे स्टील हो सकता है, एमएसके हो सकती है, या निकल क्रोमियम स्टील या वैनेडियम स्टील, कभी भी हार्ड धातु के लिए एल्युमिनियम ऑक्साइड का प्रयोग करते हैं। और इसको हम ए अक्षर से इंगित करते हैं, ये जो अक्षर से इंगित करते हैं ये अभी आगे इसको समझ में आएगा, ध्यान दीजिएगा। तो जो एल्युमिनियम ऑक्साइड है इसको हम ए से इंगित करते हैं, यानी ये एल्युमिनियम ऑक्साइड है। दूसरा सिलिकॉन कार्बाइड, सिलिकॉन कार्बाइड का मुख्य प्रयोग लो टेंसाइल स्ट्रेंथ के लिए किया जाता है, जैसे एल्युमिनियम, तांबा, पीतल, इन सबों के लिए हम सिलिकॉन कार्बाइड का प्रयोग करते हैं ग्राइंडिंग करने के लिए। और इसके साथ ही साथ ये दिखने में हल्का हरा कलर का और नीले कलर का मिक्सअप होता है, ठीक है, और इसका ही मुख्य प्रयोग हमको कार्बाइड टिप पे ग्राइंडिंग करने के लिए प्रयोग करते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट हम देखेंगे बॉन्ड, ठीक है, बॉन्ड यानी बंधक, बंधक वो मतलब सुनना पास्टर नहीं, बॉन्ड मतलब जोड़ने वाला, किसको, एब्रेसिव को। एब्रेसिव को जोड़ने के लिए जिस बॉन्ड का प्रयोग किया, विट्रीफाइड जैसे बॉन्ड, ठीक है, तो बॉन्ड में हमारा पहला विट्रीफाइड बॉन्ड, ये बॉन्ड ऐसा है जिसका सबसे अधिक प्रयोग किया जाता है। जितने भी ग्राइंडिंग व्हील बनाए जाते हैं लगभग 75% यानी 75% व्हील इसी बॉन्ड के द्वारा बनाए जाते हैं। जो विट्रीफाइड बॉन्ड होती है ये एक विशेष प्रकार की मिट्टी होती है, इसके द्वारा जो जोड़ बनता है वो बहुत मजबूत होती है, जिसका प्रयोग अत्यधिक किया जाता है। जो विट्रीफाइड बॉन्ड होती है इसकी जो स्पीड होती है वो 2000 मीटर प्रति मिनट स्पीड रखी जाती है, और इसका ही प्रयोग सबसे अधिक प्रयोग किया जाता है। और इसको हम लोग अंग्रेजी के भी अक्षर से इंगित करते हैं, ठीक है, इसका ही जो विट्रीफाइड बॉन्ड होता है इसका प्रयोग साधारण कार्यों के लिए प्रयोग करते हैं, जैसे जनरली सरफेस पे जॉब को ग्राइंडिंग करना हो, ऐसे कार्यों के लिए प्रयोग करते हैं। दूसरा सिलिकेट बॉन्ड, सिलिकेट बॉन्ड को सिलिकेट ऑफ सोडा के साथ एब्रेसिव ग्रेन को मिलाकर जोड़ा जाता है, और इसका मुख्य प्रयोग कटिंग एज को धार लगाने के लिए किया जाता है, ठीक है। तो जो सिलिकेट होता है, सिलिकेट ऑफ सोडा और एब्रेसिव ग्रेन के साथ इसको मिला के जोड़ा जाता है, सिलिकेट बॉन्ड होता है इसका मुख्य प्रयोग कटिंग एज को कटिंग टूल्स की धार लगाने के लिए करते हैं, और इसको अंग्रेजी के यस अक्षर के साथ इंगित करते हैं। नेक्स्ट है सैलाक बॉन्ड, सैलाक बॉन्ड में शुद्ध सैलाक का प्रयोग किया जाता है और एब्रेसिव ग्रेन्स के साथ मिलाकर इस बॉन्ड को जोड़ा जाता है, इसका मुख्य प्रयोग हल्के कार्यों को करने के लिए किया जाता है, हल्के टूल्स के, हल्के कार्य मतलब हल्के जॉब पे इजिली ग्राइंडिंग करने के लिए प्रयोग करते हैं। और जो सैलाक बॉन्ड का सिंबल होता है हम इसको ई से इंगित करते हैं, ठीक है, इस अक्षर का एक अपना महत्वपूर्ण सिंबल्स है, अभी हम आगे आपको समझाएंगे। हमारा नेक्स्ट रेजिनाइट बॉन्ड, जो रेजिनाइट बॉन्ड होता है इसमें स्पेशली रेजिन का प्रयोग करके प्लस एब्रेसिव ग्रेन्स को मिलाकर इस बॉन्ड को हम लोग बनाते हैं, और इस बॉन्ड की जो बंधक होती है वो इतनी मजबूत होती है कि इसके द्वारा जो व्हील चलाए जाते हैं वो अत्यधिक स्पीड से चलाए जाते हैं। और इसका मुख्य प्रयोग हम लोग कास्टिंग, जहाँ पे कास्टिंग की जाती है ना, फोर्जिंग वाले जगह पे, कास्टिंग वाले जगह पे ग्राइंडिंग करने के लिए इस रेजिनाइट बॉन्ड का प्रयोग करते हैं। और जो सैलाक बॉन्ड था इसका प्रयोग हम लोग बहुत परिशुद्ध हल्के कार्य और परिशुद्ध जॉब की सरफेस को परिशुद्ध करने के लिए करते हैं, तथा जो रेजिन बॉन्ड होता है, रेजिनाइट बॉन्ड होता है, इसका मुख्य प्रयोग हम लोग कास्टिंग किए हुए सरफेस पे ग्राइंडिंग करने के लिए प्रयोग करते हैं, क्योंकि वहां पे अत्यधिक कटिंग करने की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट
हमारा रबड़ बॉन्ड, जो रबड़ बॉन्ड होता है इसमें मुख्य जो पदार्थ होता है वो रबड़ होता है, प्लस इसमें एब्रेशिव ग्रेन्स के साथ मिलाकर जोड़ दिया जाता है। रबड़ बॉन्ड में शुद्ध रबड़ का प्रयोग करते हैं और इसमें एब्रेशिव बॉन्ड मिला के प्रयोग करते हैं। और जो ये रबड़ बॉन्ड की जो व्हील होती हैं ये बहुत पतली पतली बनाई जाती हैं, जिनका प्रयोग हम धातु को काटने का काम करते हैं। जैसे आप लोग काटते हो ना अपने अपने मटेरियल्स को, तो वो रबड़ बॉन्ड की ही होती है, ठीक है। तो जो रिजिनाइट बॉन्ड होता है इसको हम बी से इंगित करते हैं, और जो रबड़ बॉन्ड होता है हम इसको आर से इंगित करते हैं। तो ये हमारे जो बॉन्ड है, विट्रिफाइड सिलिकेटेड सेलॉक रेजिनॉइड और रबड़, ये मुख्य पांच तरह के बॉन्ड होते हैं जिसके द्वारा हम ग्राइंडिंग व्हील को जोड़कर अपने कार्य के अनुसार प्रयोग करते हैं। अब हम आगे देखेंगे, हम देखते हैं ग्रेन साइज। ग्रेन साइज होता क्या है, जैसे एब्रेशिव होते हैं तो एब्रेशिव को हम क्या करते हैं, पीसते हैं, जैसे गेहूं को पीसा जाता है ना चक्की में, ठीक उसी तरह हम एब्रेशिव पदार्थों को ग्राइंडर में मतलब पत्थर के बीच में पीसते हैं। पीसने के बाद जैसे आटा को चलनी में छाना जाता है, ठीक उसी तरह हम चलनी में इसको भी छानते हैं, मतलब अलग अलग चलनी। तो यदि एक एक स्क्वायर इंच में, यदि एक इंच एक स्क्वायर इंच में 24 खाने हैं तो उसके जो ग्रेन साइज होंगे वो 24 होंगे, ठीक है। तो वो बड़ी बड़ी जो चलनी होती है वो एक स्टेप नुमा अलग अलग साइजों की पाई जाती है, और इसमें हम क्या करते हैं, ग्रेन साइज को डाल देते हैं। तो जैसे ही ग्रेन साइज को डालते हैं तो इसमें जो चलनी होती है वो कई खानों में होती है, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें सबसे जो होता है सबसे बड़ा, नीचे मान के चलो जैसे यहाँ पे 100 है, ठीक है, इसके ऊपर 50 का होगा, 50 के बाद यहाँ पे 30 का होगा, 35 का, फिर 20 का, 10 का, 5 का, ठीक है। तो जब कोई चीज पीसी जाती है तो यहाँ डाल दी गई किसमें, एक हॉपर में। तो हॉपर से जैसे ही खोला जाता है तो जो 5 वाला नंबर का जो साइज बड़ी होगी तो ये 5 वाला 5 वाले में चला जाएगा, 10 वाला 10 में, 20 वाला 20 में, 35 वाला 35 में, 50 वाला 50 में, और 100 वाला 100 में। तो ग्रेन साइज अपने अपने नंबरों के हिसाब से जो चलनी में चलने के बाद वो अलग अलग साइज में चली जाती है, ठीक है। तो इसमें जो हमारे ग्रेन साइज होते हैं वो मुख्य हम तीन कैटेगरियों में, सॉरी चार कैटेगरी में रखे गए हैं। पहला होता है कोर्स, दूसरा हमारा है मीडियम, और तीसरा हमारा है फाइन, और चौथा हमारा वेरी फाइन, ठीक है। तो इस तरह के ग्रेन्स होते हैं, हमने एक चार्ट बनाए रखा है। तो जब चलने से चला जाता है तो कोर्स वाले में जो मैक्सिमम अंक आते हैं 10, 12, 14, 16, 20 और 24 और इनफाइनाइट, मतलब कोई निश्चित नहीं, ठीक है। जो मीडियम वाला है वो 30, 36, 46, 54, 60 और दोनों इनफाइनाइट, मतलब निर्धारित नहीं रखा जाता है। उसके बाद जो फाइन होता है वो 100, 80, 100, 120, 150, 180 और दोनों इनफाइनाइट, और जो वेरी फाइन होता है 220, यानी एक स्क्वायर इंच में 220 मतलब जाली पीने गए हैं, इसमें जो ग्रेन्स आएगी वो बहुत ही बारीक होती है, ठीक है। तो 220, 240, 280, 300 और ये लास्ट 800 होती है, ठीक है। ये अंक तालिका ये आप देख रहे हैं, सही प्रशिक्षु स्क्रीनशॉट लेके ये चार्ट जरूर बना लेंगे, क्योंकि इससे क्वेश्चन अवश्य आते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारे ग्रेन साइज का ये चार्ट, जिसमें कितने ग्रेन साइज के कौन से पाए जाते हैं वो दिखाया गया है, ठीक है। और अपने बुक का भी प्रयोग करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे ग्रेड। तो ग्रेड जो होता है, तो जितने भी व्हील होते हैं उनको ग्रेड पर रखा जाता है कि ये हार्ड है, ये सॉफ्ट है। तो ए से लेके जेड तक के ग्राइंडिंग व्हील पाए जाते हैं, ए से लेके जेड तक के ग्राइंडिंग व्हील पाए जाते हैं। तो जो ए ग्रेड का बॉन्ड होता है वो बहुत सॉफ्ट होता है, ठीक है, और जो जेड होता है वो अत्यधिक हार्ड होता है, ठीक है। तो जो ये ग्रेड होते हैं इनको भी हम निम्न तीन कैटेगरी में रखे हैं, पहला सॉफ्ट,
दूसरा मीडियम और तीसरा हार्ड। तो जो सॉफ्ट वाले बॉन्ड होते हैं वो ए से लेके एच तक होते हैं, आप लोग नोट कर लीजिएगा, छोड़िएगा नहीं कोई चीज। तो सॉफ्ट वाले में ए बी सी डी ई या जी एच, ठीक है, यहां तक होता है। उसके बाद मीडियम वाला, यानी अभी तक जो ये बॉन्ड थे ये थोड़ा सॉफ्ट था, अब थोड़ा सा हार्ड हो रहा है, क्या आई जे के एल एम एन ओ पी, पी तक है, ठीक है। और लास्ट में हार्ड वाला क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। तो ये हमारे ग्रेड है, ग्रेड के आधार पर बॉन्ड को अलग अलग कैटेगरी में रखा गया है कि जिस हिसाब से जो कार्य होगा उस हिसाब से हम उस बॉन्ड का प्रयोग करेंगे, उस ग्रेड का व्हील प्रयोग करेंगे। तो ये क्लियर हो गया आपको, हमारे ग्रेन साइज भी समझ में आ गया। ग्रेन साइज मतलब चलनी में चलने के बाद जितने साइज का एक स्क्वायर इंच में जितने चलनी निकल के आ जाए, जैसा भी हम आपको समझाए थे कि एक स्क्वायर इंच में 25 खाने हैं, यदि 25 खाने में से जो दाना छन के आ रहा है उसकी जो ग्रेन साइज होगी वो 25 होगी, उसी तरह ये सारे ग्रेन साइज के हैं और ये सारी चीज हो गई, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं, हम आगे देखेंगे स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर मतलब जैसे हम एब्रेसिव ग्रेन्स और बॉन्ड को मिला के जब ग्राइंडिंग व्हील बांधते हैं तो उस बॉन्ड में उसका स्ट्रक्चर कैसा बनता है, इसको हम दो तरह के से, जो स्ट्रक्चर होता है यह मुख्यतः दो तरीके से किया जाता है। BIS के द्वारा इनको 1 से 16 नंबर तक रखा गया है बॉन्ड के स्ट्रक्चर को, जो इसका स्ट्रक्चर है वो 1 से 16 नंबर तक इंगित किया जाता है, जिसमें हमारा पहला है डेंस। तो डेंस में जो नंबर होता है वो 1 से 8 नंबर तक होता है, और इसमें जो बॉन्ड होते हैं वो बहुत पास पास होते हैं, ये बहुत हार्ड और ब्रिटल होता है, और इसका मुख्य प्रयोग स्मूथिंग करने के लिए, सरफेस को पॉलिश करने के लिए प्रयोग करते हैं। जो दूसरा होता है स्ट्रक्चर हमारा ओपन, तो ओपन वाले में क्या होता है, इसमें जो ग्रेन्स होते हैं वो 9 से 16 तक होते हैं, ये क्रमशः है, जैसे 1 से 8 तक तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, उसी तरह ओपन वाले में 9 से 16 तक, तो 9 के बाद 9 10 11 12 13 14 15 16, इस तरह के ये स्ट्रक्चर बॉन्ड होते हैं। जो ओपन वाला होता है स्ट्रक्चर ये बहुत सॉफ्ट होता है, और इसका मुख्य प्रयोग कटिंग्स करने के लिए प्रयोग करते हैं हार्ड धातुओं के, ठीक है। उसके बाद इसका शेप, तो ग्राइंडिंग व्हील जरूरी नहीं है कि आप जो प्रयोग करते हैं सिर्फ एक ही शेप का हो, ग्राइंडिंग व्हील आकार के आधार पर कई शेप के पाए जाते हैं, तो आकार के आधार पर हमने निम्न शेप लिखा हुआ है, आप देखिए। तो सबसे पहले स्ट्रेट व्हील, ठीक है, दूसरा सिलेंड्रिकल व्हील, ठीक है, ये दूसरा सिलेंड्रिकल व्हील, तीसरा है टेपर्ड फेस व्हील, हमने व्हील नहीं लिखा है ध्यान दीजिएगा, टेपर्ड फेस व्हील, ठीक है। उसके बाद रिसेट व्हील, ठीक है, उसके बाद स्ट्रेट कप व्हील, ठीक है, उसके बाद फ्लेरिंग कप व्हील एंड डिस व्हील एंड सोशर व्हील, ये निम्न प्रकार के व्हील आप लोग प्रयोग में लाते हैं। आपने जो व्हील देखा है वो आपने सिर्फ स्ट्रेट साइज का व्हील यहाँ पे देखा हुआ है जो आप प्रयोग भी करते हैं, बाकी ये सारे व्हील आपके यहाँ प्रयोग में लाए जाते हैं, आपके इंजीनियरिंग क्षेत्र में प्रयोग में लाए जाते हैं, लेकिन कार्य के आधार पर इन सभी व्हीलों का प्रयोग होता है, ठीक है। इनकी इमेज आप अपने बुक से देख लीजिएगा, ठीक है। इससे रिलेटेड, ग्राइंडिंग व्हील से रिलेटेड यदि कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट के माध्यम से पूछिए, फोन करके पूछिए, या हमारे श्री अनुदेशक अनिल प्रजापति जी से इसके विषय में कंफर्म कर सकते हैं, ठीक है, वो सर आपको स्पेशली बता देंगे इन सारे व्हील के प्रयोग भी, ठीक है। तो अब हम मुख्य चलेंगे, तो हमने शेप भी देख लिया, अब इसका साइज लेते कैसे हैं अब हम वो देखेंगे। हम कोई भी ग्राइंडिंग व्हील जब खरीदने जाते हैं तो उनमें क्या चीज देख के हम मार्केट में मांगते हैं, जैसे आप मार्केट में जनरली जाते हो तो कहते हो कि हमको एक व्हील दे दीजिए, तो जाहिर सी बात है ग्राहक पूछेगा कौन सी व्हील, ठीक है, तो हम लोग व्हील को उसको किस साइज से डिफाइन करते हैं वो हम बताएंगे आपको।
तो ग्राइंडिंग व्हील की जो साइज होती है, सबसे पहले तो उसका डायमीटर पूछा जाता है कि इसका डायमीटर कितना है, कितनी बड़ी इसकी डायमीटर है, आपको कितनी बड़ी चाहिए, 8 इंच चाहिए, 10 इंच चाहिए, 12, 14, 20, कितनी बड़ी साइज चाहिए। ठीक है, तो आपने एक निश्चित साइज बता दिया, जैसे कह दिया हमको डाया उसको 8 इंच का चाहिए। ठीक है, उसके बाद वो पूछेगा कि आपकी जो डाया है उसका मोटाई कितनी चाहिए, व्हील की मोटाई क्या है। तो आप मोटाई कहेंगे कि 1 इंच है, 2 इंच है या 1/4 इंच है, तो उसी हिसाब से इसका साइज आप कह देते हैं कि हमको 1 इंच की साइज चाहिए। ठीक है, उसके बाद इसका बोर साइज पूछेगा, यानी जिस सॉफ्ट में ग्राइंडिंग व्हील को फिट किया जाता है, तो इसका जो इंटरनल सुराख है इसको हम लोग बोलते हैं बोर साइज। तो बोर साइज क्या है वो भी पूछता है, तो आप कहेंगे 1 इंच 2 इंच जो भी, तो मान लीजिए कह दिया 1 इंच, तो ये हो गया आपके व्हील का साइज, जिसके द्वारा आप ग्राइंडिंग व्हील को मार्केट से परचेज कर सकते हैं, यानी खरीद सकते हैं। ठीक है, समझ में आया। तो जो इसका व्हील का साइज दिया जाता है, इसके बाहरी डायमीटर, इसकी मोटाई कितनी है उससे, और इसका बोर साइज, तीन चीज से ली जाती है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे स्टैंडर्ड ग्राइंडिंग व्हील मार्किंग, यानी कैसे इसको हम लोग मार्किंग करते हैं या कैसे डिफाइन करते हैं कि कौन सा ग्राइंडिंग व्हील कैसा होता है। सिर्फ नंबर से ही देख के हम बता देते हैं कि ये कैसा है। ठीक है, तो आगे देखिए, जो हमारा स्टैंडर्ड ग्राइंडिंग व्हील मार्किंग की जाती है, तो जैसे यहाँ पे हमने एक नंबर लिखा हुआ है, आप ध्यान दीजिए। ठीक है, ये नंबर लिखा हुआ है 51A46L5B23। ये क्या है, जैसे कोई भी ग्राइंडिंग व्हील होगा तो उसका एक स्पेसिफिक होता है, जिसके द्वारा हम इसको इजीली पहचान जाते हैं कि ये कौन सा है। जैसे यहाँ पे 51 है, तो 51 क्या है, ये एब्रेशु का ग्रेन साइज है। आप देखिए, आप दिखाते हैं सारी चीज, आप देख सकते हैं जो 51, तो इसमें जो यहाँ पे 51 है, ये क्या है, हमारा एब्रेशु साइज, एब्रेशु का ग्रेन साइज है। ये ग्रेन साइज कितना है एब्रेशु का, 51। ठीक है, उसके बाद ए मतलब क्या है, एब्रेशु का टाइप है। अभी हम पहले बताए थे कि याद रखना कि एक किस टाइप का है, तो जो एब्रेसिव टाइप है वो इसका एल्युमिनियम ऑक्साइड का है। ठीक है, ए मतलब एल्युमिनियम ऑक्साइड। 46 क्या है, ग्रेन साइज है। अभी जो ग्रेन साइज बताया गया था ना आपको, मीडियम साइज, ग्रेन साइज, तो जो ग्रेन साइज है इसमें, ये जो 46 नंबर का है ये मीडियम है। इसको समझने के लिए एक बार अपनी कॉपी खोलिए और इस चार्ट को देखिए, वो सारे चार्ट जो क्रमशः है वही सारी चीजें हैं। ठीक है, उसके बाद जो यल है, वो यल क्या कह रहा है, ग्रेड। तो यल वाला जो ग्रेड है वो किस टाइप का ग्रेड है, तो हमारा जो ग्रेड है वो भी हमारा मीडियम का ग्रेड है। उसके बाद जो यहाँ 5 है, यहाँ 5 इसका स्ट्रक्चर बता रहा है, तो स्ट्रक्चर कौन सा है। जैसे 116 नंबर होता है, तो पहला हमारा 1 से 8 तक किस में आती थी, डेंस, तो हमारा ये डेंस की है। ठीक है, उसके बाद भी मतलब बॉन्ड, किस बॉन्ड से जोड़ा गया है। हमने आपको पहले ही बताया है कि विट्रीफाइड बॉन्ड का प्रयोग 75% होता है, इसलिए सबसे अधिक इसका ही प्रयोग किया जाता है। ठीक है, उसके बाद जो 23 है, वो कंपनी का अपना सिंबल होता है जिससे इस व्हील को आइडेंटिटीफाई कर ले। ठीक है, तो ये आप चीज नोट कर लीजिए कि 51 एब्रेसिव साइज हो गए, ए एब्रेसिव टाइप हो गया यानी एल्युमिनियम ऑक्साइड हो गई, 46 जो ग्रेन साइज है कौन सी, मीडियम टाइप की है, या ग्रेड है कौन सा ग्रेड है, मीडियम टाइप का ये भी ग्रेड है, 5 स्ट्रक्चर किस में आ रहा है, वो डेंस में आ रही है, बी मतलब बॉन्ड विट्रीफाइड में आ रही है, और जो 23 नंबर यहाँ पे दिया गया है, ये कंपनी का अपना सिंबल होता है जिससे वो पहचान सके कि ये किस कंपनी किस नंबर का है और इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, ये सिर्फ कंपनी की जानकारी होती है। तो स्टैंडर्ड ग्राइंडिंग व्हील को हम ऐसे पहचान सकते हैं, इसकी पूरी विवरण को हम लोग जान सकते हैं। अब हमारा सिलेक्शन ऑफ ग्राइंडिंग व्हील, तो जो ग्राइंडिंग व्हील का चुनाव किया जाता है, उस चुनाव करने का मुख्य उद्देश्य है
जिससे हम आसानी से काम कर ले, हमारे द्वारा जो काम किया जाए वो बहुत ही शुद्ध हो, अच्छा हो, संतोषजनक हो। ठीक है, तो जो ये ग्रैंड सिलेक्शन किया जाता है वो दो तरह से किया जाता है, एक कांस्टेंट फैक्टर और एक वेरिएबल फैक्टर। तो जो कांस्टेंट फैक्टर होता है इसमें सबसे पहले आपको मटेरियल देखना है कि वो मटेरियल किस टाइप का है। ठीक है, दूसरा उस मटेरियल का साइज क्या है, स्टॉक साइज क्या है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई मोटाई कितनी है। उसके बाद कांटेक्ट पॉइंट कितना है, मतलब जो सरफेस एरिया जितना भी हो उसका पॉइंट कांटेक्ट एरिया कितना है, ज्यादा है या कम है। ठीक है, और उसके बाद ग्राइंडिंग मशीन कैसी है हमारी, उस मशीन के हिसाब से हम लोग ये चुनाव करते हैं। तो जो ये कांस्टेंट फैक्टर है इसमें हमको मटेरियल, स्टॉक का साइज, कांटेक्ट पॉइंट और ग्राइंडिंग मशीन देखी जाती है। जो वेरिएबल फैक्टर होता है इसमें सबसे पहले हमको व्हील की स्पीड देखनी होती है कि व्हील की स्पीड कितनी होनी चाहिए। उसके बाद हमारी जो जॉब रनिंग करती है तो उस जॉब की रनिंग स्पीड कितनी होनी चाहिए। तीसरी है मशीन की कंडीशन कैसी है, मशीन परफेक्ट तो है, कोई एरर तो नहीं है, तो मशीन की कंडीशन देखनी चाहिए। और उसके बाद आप उस जॉब को कितने तरीके से, कितनी सुदृढ़ता से कर लेते हैं, आपकी क्या स्पीड रहती है ग्राइंडिंग करने के लिए। तो ये इसी आधार पे हम ग्राइंडिंग व्हील की सिलेक्शन करते हैं, जिसमें हमारा पहला कांस्टेंट और दूसरा वेरिएबल टाइप होता है। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट देखेंगे माउंटिंग व्हील को बांधना सीखेंगे। तो ये हम अगली वीडियो में आपको बताएंगे कि हम लोग ग्राइंडिंग व्हील को कैसे बांधते हैं, क्या क्या सावधानी रखते हैं, और ग्राइंडिंग व्हील को बांधने से पहले क्या क्या ध्यान में रखना चाहिए। अभी तक जो भी कॉन्सेप्ट जो भी आपने देखा, ये देख के आपको नोट्स करने हैं, अपनी बुक का भी अध्ययन करना है, बुक को भी साथ में लेके चलना है। यदि कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट के माध्यम से संपर्क करें या फोन के माध्यम से आप संपर्क करके हमसे पूछ सकते हैं। ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये इतनी देर से ध्यान से देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।